ग्वालियर शहर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट के विस्तार क्षेत्र में बनाई जा रही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के तल घर में पेंट से भरे ड्रम के अचानक पलटने से वहां जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिसके कारण चार मजदूर दम घुटने के कारण बेहोश हो गए। दमकल की 3 गाड़ियों को तुरंत एयरपोर्ट पर भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद जमीन के करीब 50 फीट नीचे काम कर रहे 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर वहां से निकाला, जबकि 1 मजदूर को वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों ने पहले ही निकाल लिया था। जहरीली गैस के कारण बाद में कर्मचारियों की हिम्मत जवाब देने लगी, तब नीचे फंसे कर्मचारियों को फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने निकाला। नगर निगम उपायुक्त अतिवल सिंह यादव का कहना है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट के विस्तार का काम इन दिनों चल रहा है। एयरपोर्ट के पास ही नई बिल्डिंग के तल घर में यह ड्रम रखे हुए थे जिनमें पेंट भरा हुआ था। उनका कहना है कि 3 ड्रमों में भरे पेंट को मिलाकर एक अन्य पेंट बनाया जाता है जो बेहद गैस वाला होता है। ड्रम के भीतर अचानक गैस बनने के कारण यह हादसा घटित हुआ। एक एयरपोर्ट की जो नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ से सूचना मिली है कि उसमें कुछ कर्मचारी काम करते हुए वहाँ एक ड्रम गैस फट गई है, तो उससे गैस लीकेज हुई है। उस गैस के कारण वो लोग बेहोश हो रहे हैं और उसको जल्दी निकालें। तो यहाँ से मैंने गैस के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए सामान के साथ मैंने 3 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की और अपने क्या नाम भी अपना मोटरसाइकिल रेस्क्यू दल के साथ वहाँ भेजा। मैं भी पहुँच गया तो उनको जाके समय पर उन्होंने सूचना दे दी थी, इसलिए 1 कर्मचारी वो लोग निकाल पाए थे, लेकिन बाकी बेहोशी स्थिति में उन्हें कोई न पकड़ पा रहा था कुछ है, तो हमने अपने कर्मचारी वहाँ भेजे। तब वो लोग नीचे जाके उनको गीली पट्टी अट्टी बांध के नाक पे उनको किसी तरह से उनको लेके और खींच के आए, जिस तरह से अपने ट्रॉली में नीचे एक रस्सी डाल के उसको खींच लेते हैं उस तरह से उन्हें खींचा, उनको निकाल लिया। और निकाल के उसके अभी जो 3 रह गए थे तीनों निकाल लिए और चौथा भी स्थिति में ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो चारों को फिर हॉस्पिटल भेज दिया गया है और उनका इंजीनियर भी साथ में गया हुआ है। वजह क्या हो सकती है? वजह उसमें जो केमिकल पेंट रहता है, चूँकि वो काफ़ी हाई गैस वाला रहता है, तो अगर वो उसमें 3 चीज़ें मिला करके एक पेंट बनता है, तो वो इस तरह था कि जैसे ही वो ड्रम फैला, या कह रहे हैं उनका तो कहना यह गिर गया तो एकदम टूट गया, ऊपर का ढक्कन निकला तो उससे फैला, तो उससे गैस लीकेज हो गई। तो वो बहुत ही क्या नाम तीखी गैस थी, तो उसके कारण वो लोग बेहोश होने लगे और वो परेशान हो गए। उन्होंने चिल्लाना, ये घटना बिल्कुल एयरपोर्ट पे है और ग्राउंड फ्लोर में करीब 50 फुट गहराई में वो लोग काम कर रहे थे। जो निर्माणाधीन एयरपोर्ट है उसी की, और निर्माणाधीन एयरपोर्ट सिविल की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो बिल्डिंग बन रही थी उसी बिल्डिंग में नीचे था। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल वो इस समय 3 है का नाम थोड़ा ज़्यादा उनकी स्थिति वैसी हो गई थी, लेकिन सभी मतलब सुरक्षित हैं, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट के बाद वो सुरक्षित नहीं। लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए पेप्टेक ग्रुप की पहल बोटिंग डे पर डील करिए, अपना बोटिंग मार्क दिखाएं और पेप्टेक के JP सिनेमा में पहुंचकर फिल्म का आनंद उठाएं। 20, 21 और 22 नवंबर को JP सिनेमा में पाएं स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक एकदम फ्री। 100 रुपए की कीमत वाले इस स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक को आप मुफ्त पा सकते हैं सिर्फ अपना बोटिंग मार्क दिखाकर। तो JP सिनेमा में लीजिए Tiger 3 का आनंद, लेकिन बोट डालना मत भूलिए।